फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की? बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोर दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है।